Hi student, welcome to RCI Ajohab online classes. Class 12, Agriculture, subject Biology, topic बेर की फल मक्खी का जीवन चक्र, life cycle पढ़ेंगे इसके बेर की फल मक्खी का. इसमें बेर की फल मक्खी जो होती है, यह है सर्दियों के अंदर सक्रिय होती है. सर्दियों में ये सक्रिय रहती है अप्रैल से अगस्त तक. शीत निष्क्रियता में बनी रहती है. शीत निष्क्रियता हमें ये बनी रहती है. जैसे ही अगस्त आता है तो ये निष्क्रियता से एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है. और जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, यानी कि अप्रैल आता है, किसमें चली जाती है, शीत निष्क्रियता में चली जाती है. मुख्य रूप से ये यहां से अगर देखा जाए तो अगस्त से सितंबर और इससे पहले सितंबर से मार्च, इसके बीच में सक्रिय रहती है. अदरवाइज ये शीत निष्क्रियता के अंदर चली जाती है. बेर की फसलों में, मुख्य रूप से बेर की जो फसलें होती हैं, उनके अंदर फूल में फल बनने के समय कोष अवस्था से बाहर निकलती है. बेर की फसल जो पाई जाती है उसमें फूल जो लगते हैं उस समय, फूल या फल जब लगते हैं तो उस समय कोष अवस्था से बाहर आती है. कोष अवस्था से बाहर आकर ये व्यस्क में चेंज होते हैं. रोड जो होता है उसमें बदल जाता है. व्यस्क जो मादा होती है वो फल की त्वचा में, व्यस्क जो है वो फल की त्वचा के अंदर है, फल जो होता है उसके ऊपर जाकर इस फल में छिद्र करती है, छिद्र कर इस छिद्र के अंदर अंडे देती है. फिर उसे समझेंगे यहां से. बेर की फसल जो होती है उसमें फूल और फल आने की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में बेर की फल मक्खी कोष अवस्था से किसमें चेंज हो जाती है, व्यस्क में. और ये व्यस्क मादा जो है वो फल में छिद्र कर उन छिद्रों के अंदर अंडे देना प्रारंभ कर देती है. ये अंडे जो होते हैं वो एक से दो की संख्या में होते हैं और छिद्र जो है वो 1 mm गहरा होता है. यानी कि फल की भित्ति को छेद कर 1 mm गड्ढा बनाती है और उसमें 1 से 2 की संख्या में अंडे देते हैं. ये अंडे जो है वो तंतुनुमा होते हैं. तंतुनुमा पाए जाते हैं इस स्थान पर, जिस स्थान पर बेर के, जिस स्थान के ऊपर एक गड्ढा करके जिसमें अंडे दे दिए जाते हैं. ये छिद्र वाला जो पार्ट है, यानी कि जैसे कि ये बेर, इसमें इस स्थान के ऊपर यदि अंडे दिए गए हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वृद्धि रुक जाती है, ये विकसित नहीं होता है. तो यहां पर वृद्धि रुकने से पौधे में लगने वाला जो फल है वो इसकी पौष्टिकता को खो देता है, अपने गुणों को खो देता है. तो इन फलों को काने फल बोलते हैं. काने फल नाम दिया गया है. अंडे से 2 से 3 दिन में, ये अंडे जो दिए गए हैं इन अंडों से 2 से 3 दिन में मैगट, या फिर इनको बोलते हैं लट, ये मैगट बाहर आ जाते हैं. जो छिद्र के अंदर अंडे दिए गए हैं उनसे, अंडों से 2 से 3 दिन में मैगट या लट जो है वो बाहर आकर फल का फ्लैश जो होता है, फ्लैश का मतलब गुदे वाला भाग, उसको खाकर ये नष्ट कर देते हैं. और गुदे वाले खाने से फल जो है वो सड़ जाता है और मूल जो पौधा है उससे फल अलग होकर नीचे गिर जाता है. एक फल के अंदर मैगट जो होते हैं उनकी संख्या, मैगट की संख्या एक फल में
18 तक पाई जाती है, इनकी संख्या अत्यधिक होती है, 18 होती है, कंपनी जो फल है वो इसमें नष्ट हो जाता है। मैगट 7 से 10 दिन में, ये मैगट जो है वो 7 से 10 दिन में पूर्ण विकसित, 7 से 10 दिन में पूर्ण विकसित होकर फल से बाहर निकलती है और भूमि में जाकर ये कोशित में बदल जाती है। यहां से भूमि से बाहर निकलती है और कोशित में यहां पर चेंज इसमें हो जाती है। जो गहराई होती है भूमि में वो 6 से 15 सेंटीमीटर गहराई में जाकर कोश में बदल जाती है। कोश अवस्था जो है वो 14 से 30 दिन की होती है। कोशित काल 14 से 30 दिन का होता है। इस कीट का सबसे छोटा जो जीवन काल होता है वो 24 दिन का होता है। एक वर्ष में इसकी पीढ़ियां जो होती हैं, एक वर्ष में इसकी पीढ़ियां जो पाई जाती है वो 2 से 3 पीढ़ियां होती है। इस प्रकार से जो इसका जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। मुख्य रूप से सर्दियों में सक्रिय रहती है, गर्मियों में शीत निष्क्रियता में चली जाती है। बेर की फसल जो होती है उसके ऊपर फल और फूल जब लगते हैं तो कोश अवस्था शीत निष्क्रियता से इसमें आती है, कोश अवस्था में, कोश अवस्था से व्यस्क में चेंज होती है और मादा जो होती है वो फल की भित्ति को छेदकर 1 mm गहरा गड्ढा बनाती है जिसमें अंडे देती है। अंडों की संख्या 1 से 2 होती है। अंडे तंतुनुमा होते हैं। अंडों से 2 से 3 दिन में मैगट या नट बाहर आकर फ्लैश गुदे वाले भाग को एक खा जाती है। मैगट की संख्या एक बेर में 18 तक होती है। 7 से 10 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती है। इस प्रकार से बेर की फल मक्खी जो होती है वो उसका जीवन चक्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।